आज अगर इंडिया अलायंस में दो आदमी भाग गए तो वो मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे, ये असंभव है। मोदी जी भगवान नहीं है भाई, मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, मोदी जी अपनी एक सांस जो ऊपर गई दोबारा वापस आएगी इसकी गारंटी तो दे नहीं सकते। देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, नरेंद्र मोदी के ऊपर एक केस जरूर दर्ज करना चाहिए। जब उन्होंने 2019 में चुनाव में शहीदों के ऊपर संविधान के पद पर बैठ करके आप मांग नहीं सकते हैं वो, क्योंकि सेना किसी पार्टी की नहीं होती है, देश की संपत्ति है वो। सारी मीडिया में यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने ये झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने वो झूठ बोला, ये तथ्य गलत बोले, वो तथ्य गलत, मतलब पूरे वीक में आपने देखा झूठ, नरेंद्र मोदी झूठे हैं ये ट्रेंड कर रहा था और बहुत वायरल हो गया था। क्यों, उनको तथ्यों का कुछ पता नहीं होता, वो तो आवेश में आकर के बोल देते हैं। होता क्या है, देखो नरेंद्र मोदी जी के साथ में क्या दिक्कत है, उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो उनकी भाषण लिखते होंगे, वो उनको पकड़ा देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का चूंकि शिक्षा के हिसाब से उनका थोड़ा हाथ तंग रहा है बचपन से, तो नरेंद्र मोदी जी पढ़ते तो है नहीं, रट्टा मार के जरूर आते हैं। नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है और पूरी दुनिया के लोग राजीव जी का इंतजार कर रहे होंगे कि राजीव जी क्या धमाल लेकर आए हैं। पेशे से इंजीनियर लेकिन ज्योतिष का शास्त्र का बड़ा प्रेम। राजीव जी ने इंजीनियरिंग करने के बाद ज्योतिष का बहुत अध्ययन किया, सालों तक अध्ययन किया और फिर उन्होंने जन्म पत्री देखना, भविष्यवाणी करना शुरू की। मैं हर बार की तरह फिर बता दूं, अगर आपको ज्योतिष में रुचि है तो ये प्रोग्राम देखिए, आपको ज्योतिष में रुचि ना हो तो ये प्रोग्राम मत देखिए। मेरे को ज्योतिष में रुचि है, मुझे राजीव जी से बात करके अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ। राजीव जी की कुछ भविष्यवाणियाँ गलत भी हुई हैं और कुछ सही भी हुई हैं। आज राजीव जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बड़े भयंकर खुलासे किए हैं, बताया है कि 17 तारीख के बाद क्या होने जा रहा है और ये बताया है कि नीतीश के और जयंत के जाने के बाद समीकरण क्या बनेंगे। और राजीव जी ने तो दावा कर दिया है कि किसी भी कीमत पर मोदी सरकार रिपीट नहीं होगी। अब मैं सारी बातें बता दूंगा तो फिर राजीव जी क्या बताएंगे, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंटरव्यू सुनने से पहले, शुरू करने से पहले चैनल को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं राजीव जी के पास। राजीव जी स्वागत है आपका 4PM न्यूज नेटवर्क में, और संडे का दिन आपका इंतजार रहता है पूरी दुनिया के लोगों का। लेकिन मामला क्या हो रहा है राजीव जी, आजकल लगता है बजरंग बली नाराज है आपसे। आप कह रहे थे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन किसका जा रहा है, जयंत चौधरी भी चले गए, नीतीश बाबू भी चले गए, हो क्या रहा है, आपकी कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है, बजरंग बली नाराज है या मोदी जी का ताकत बढ़ गई है, मोदी जी के ग्रह थोड़ा ठीक हो गए हैं, मामला है क्या? हाँ देखिए, ऐसा है, पहली बात तो जो मैंने इंडिया गठबंधन की जो हॉरोस्कोप थी आप लोगों को दिखाई थी, इंडिया अलायंस सॉरी, वो 18 जुलाई 2023 को और 4:20 पर इन्होंने जो है घोषणा की थी कांग्रेस के लोगों ने, जब बेंगलोर में मीटिंग हुई थी। तो ये स्थिर लगन है और स्थिर लगन का ज्योतिष के फंडामेंटल सिद्धांत है, कोई भी ज्योतिषी हो, कोई भी दुनिया का चैलेंज है ज्योतिषी, अगर ये बता दे कि लग्नेश अगर दशम भाव में बैठे हैं तो उसके लिए कोई खतरा नजर आ रहा है क्या? मतलब सीधा चैलेंज है आज ज्योतिष के सारी फैकल्टी के लिए कि अगर लग्नेश दसवें घर में, वो भी मंगल जैसा, क्योंकि मंगल दिग्बली होता, दसवें घर में सूर्य और मंगल बहुत ही पावरफुल माने गए हैं। अच्छा। और हाँ, दसवें घर में किसी की भी कुंडली, और वृश्चिक जो हमारे चार लगन स्थिर लगन होते हैं, दो मतलब वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, 2, 5, 8, 11 और कुंभ राशि, और 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चार राशियां हैं, और द्विसंभार डुअल साइन होते हैं 3, 6, 9, 12। तो इसमें इस सिद्धांत है कि अगर कोई चीज स्थिर लगन में उदय हो रही है, जैसे उन्होंने अनाउंस जो किया तो वो घटना का जन्म हुआ उसका, तो वो स्थिर लगन मतलब वो चीज प्रिवेल करनी चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए। जहां तक ये बात है कि आपने कहा, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके कहा था कि चूंकि उसमें बृहस्पति छठवें घर में चले गए जो विवेक के स्वामी है, इस कुंडली का जो पांचवा घर होता हमारा वो बेसिकली विवेक शक्ति का है, बुद्धि का है, पांचवा घर किसी की भी कुंडली में हो पांचवा घर वो विवेक का होता है और जुपिटर विवेक के कारक है। तो उसमें इस कुंडली में क्या हुआ कि अब ये मेरे कहने से तो नहीं, ग्रह तो उस समय जो बैठे थे, विवेक का कारक ग्रह छठवें घर में चला गया राहु केतु के बीच में, तो ये कोई भी कुंडली बनती है उस समय यही से स्थिति आती। तो इसका मतलब ये कि थोड़े बहुत मतभेद होंगे और थोड़े
जो बेसिकली मेलाफाइड माइंड के या जिनके इंटेंशंस प्योर नहीं थे वो लोग भी बीचे इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो सकते हैं, ऐसा इस कुंडली के अनुसार से बनता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए एक जैसे कहीं बात हो रही थी कि नीतीश कुमार संयोजक बना दिए जाते और उसके बाद अगर वो छोड़ के जाते तो कितनी ज्यादा ह्यूमिलेशन थी आपकी इंडिया गठबंधन के लिए। अभी तो वो बाहर बाहर से चले गए, अभी कोई संयोजक नहीं, कोई पद नहीं। इसी तरह जयंत चौधरी को जो आप महत्व दे रहे हैं, जयंत चौधरी का 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें थी? जीरो। और मात्र वो बहुत सारी सीटें लड़ी थी लेकिन 9 सीटों पर वो विधानसभा में आए। तो इन लोगों के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी बात आप रखिए, अभी तो एनडीए की कोई सीटों का अनाउंस तो हुआ नहीं है। जब एनडीए की चीजें शुरुआत होगी तो उसमें जो इन फाइटिंग होगी वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे आने वाले टाइम में। तो मेन जो आपका जो गोदी मीडिया है प्लस आपके जितने भी जो प्रिंट मीडिया है, सबका सबका फोकस बेसिकली इंडिया एयरलाइंस पर, ये हो गया वो हो गया, जबकि इंडिया एयरलाइंस तो 28 पार्टियों से मिलकर बना है। तो 28 में से क्या 28 चले गए, क्या उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दिया, ताला लगा दिया? दो ही गए हैं, 26 अभी भी हैं। पहले तो एनडीए बता दे कि एनडीए में कितने अलायंस है। एनडीए तो अभी तक प्रयास कर रहा है लोकसभा के चुनाव शुरू होने से 2 महीने पहले, इसको तोड़ो उसको तोड़ो। और जैसे आपने भी 2-3-4 प्रोग्राम किए हैं, आपने देखा, और ये मेरी भविष्यवाणी थी, मैंने बार बार कहा था, देखिए अशुभ फल का मतलब समझ लीजिए, प्राकृतिक प्रकोप का मतलब ये भी समझ लीजिए कि जो आयोजन जिस उद्देश्य से आपने किया था, क्या वो उद्देश्य आपको पूरा हो पा रहा है? वो मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ कि जितने पॉम्प एंड शो के साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और चैनलों ने जो जिस तरह दिखाई टीवी चैनल्स ने, तो उसका असर आपने खुद ही अपने प्रोग्राम में कहा था कि दो से तीन दिन में ही वो खत्म हो गया। तो घबराहट किसके सामने है? घबराहट बेसिकली एनडीए में दिखाई दे रही है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूं, पिछले प्रोग्राम में मैंने ये कहा था किसी भाजपा के बड़े नेता का नाम लेते हुए कि उन्होंने कहा था कि ये बहुत डरपोक है और झूठ बहुत बोलता है। आप देखिए उस समय से लेकर नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 भाषण दिए लोकसभा में और राज्यसभा में, सारी मीडिया में, यूट्यूब में मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने ये झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने वो झूठ बोला, ये तथ्य गलत बोले, वो तथ्य गलत, मतलब पूरे वीक में आपने देखा झूठ, नरेंद्र मोदी झूठे हैं ये ट्रेंड कर रहा था और बहुत वायरल हो गया था। कि उनको तथ्यों का कुछ पता नहीं होता, वो तो आवेश में आकर के बोल देते हैं। होता क्या है, देखो नरेंद्र मोदी जी के साथ में क्या दिक्कत है, उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो उनकी भाषण लिखते होंगे, वो उनको पकड़ा देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का चूंकि शिक्षा के हिसाब से उनका थोड़ा हाथ तंग रहा है बचपन से, तो नरेंद्र मोदी जी पढ़ते तो है नहीं, रट्टा मार के जरूर आते हैं। तो आपको एक और बहुत अच्छी चीज बता देता हूं कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी में ये चीजें महसूस की हैं स्टूडेंट लाइफ में, कि जब हम कोई चीज रट के जाते हैं और कोई हमारा जरा सा कोई बात कह दे, उत्तेजना लिया या कुछ लिया, तो हम अपना रटा हुआ भूल जाते हैं और फिर हमारी जवान लड़खड़ा जाती है, हकलाने लगते हैं। एग्जैक्टली नरेंद्र मोदी जी के साथ लोकसभा में वही हुआ जब उसने आपका जो गोगोई था आसाम का, गौरव गोगोई परवारवाद, हाँ, तो उसने जब ये कहा कि जब आप परवारवाद की बात कर रहे हैं तो ये आपका जो हरियाणा में जो पार्टी है वो परवारवाद की है, और अभी जो जयंत चौधरी को लाए वो कौन सी परिवारवाद की पार्टी नहीं, वो भी परिवारवाद की पार्टी है, रामविलास पासवान की पार्टी वो भी परिवारवाद की पार्टी है। तो जब इतनी बातें की तो नरेंद्र मोदी की जवान लड़खड़ा गई थी, मोदी जी हकलाने लगे थे उस समय और पानी का गिलास पीने लगते हैं। और उसके बाद पर नरेंद्र मोदी जी के मैंने वर्ड वो मैंने थोड़ा सुन लिया था, नरेंद्र मोदी जी धीरे से बोलते हैं, अरे भाई सभी युवाओं को आने का अधिकार है, माता महा नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं सबको आने का अधिकार है। तो फिर आप कांग्रेस को ही क्यों है वो परिवारवाद के उसमें घेरते हो? कांग्रेस का परिवार में तो देखो अभी इस समय कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं है, या उनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री बने हुए कितने वर्ष हो गए, राजीव गांधी के बाद से कोई प्रधानमंत्री बना उनके परिवार से? आप बताइए कोई, आप देश की जनता बता दे कि उनके परिवार से कोई बना हो, कोई नहीं बना। तो ये नरेंद्र मोदी जी के, और मैं आपको बता दूं बींग ए थोड़ी सी मैं साइकोलॉजी पढ़ता रहा, मेरे गुरु जी ने ये मुझे कहा था, अगर अच्छे ज्योतिषी बनना है तो ज्योतिष के ज्ञान के अलावा उन्होंने हमको ये गाइड किया था कि आप 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की किताब जरूर पढ़ना। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, मैं नई सड़क से जाकर के 12वीं की सोशियोलॉजी की किताब और साइकोलॉजी की किताब भी लेकर के आया और 10 वर्षों से पढ़ रहा हूं उसको।
तो वो ज्ञान भी है, क्योंकि इसलिए ये दोनों शास्त्रों का जो आपके आर्ट साइड के सब्जेक्ट हैं, इसका इसलिए फायदा होता है कि ज्योतिष की भविष्यवाणियां कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती हैं। उसको कहते हैं देश काल पात्र, देश काल पात्र। तो देश काल पात्र, काल और पात्र कैसे पता लगेगा, देश कैसे पता लगेगा, सोशियोलॉजी से। पात्र क्या मतलब, पात्र मतलब योर साइकोलॉजी, तो उससे पता लगती है मनोविज्ञान से। तो मैं बीइंग ए थोड़ा सा ज्ञान हो गया, मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं, लेकिन चूंकि काउंसलिंग के फील्ड में हूं तो इतने वर्षों से, कि नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा और राज्यसभा के भाषण ये दर्शाते हैं मनोविज्ञान के अनुसार कि दिस मैन हैज लॉस्ट द इलेक्शन, ही हैज एक्सेप्टेड हिज डिफीट। कि मैं 2024 का लोकसभा, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, कि 2024 के चुनाव में एज इट इज मैं लड़ने गया तो मैं हार जाऊंगा। इसके कारण मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि चूंकि भाजपा की कुंडली में जो निरंतर मैंने कहा ये षड्यंत्र का योग है, तो वो षड्यंत्र को कोई भी चीज से छोड़ेंगे नहीं। षड्यंत्र में किसी भी चीज को वो छोड़ने वाले नहीं है। ये षड्यंत्र का को है, जब तीन और छह नंबर ग्रह में, छह हाउस में, थर्ड एंड सिक्स हाउस में अगर आपके पाप ग्रह हो, लगन पीड़ित हो, सूर्य पीड़ित हो, चंद्र पीड़ित हो, बार बार ये कह रहा हूं लोगों को रट जाना चाहिए ये कॉम्बिनेशन। हमारी अपनी जिंदगी में भी कोई अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए उससे हाथ जोड़ लेना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वो आपके जीवन में, आपके व्यापार में अगर आपने उससे पार्टनरशिप कर ली तो छल कपट करके धोखा देके जाएगा वो। लोग मेरे से पूछते हैं ना जब पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं कि भाई कैसे पार्टनर, तो मैं लोगों से कहता हूं इसी तरह विवाह करने जा रहे हैं, अगर आप ऐसी बहू या ऐसा दामाद ले आए तो आपका बैंड बजा देगा आपके खानदान का। तो ये नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो है, जो भी बिहेव हो रहा है, बिहेव कर रहे हैं, एक तो भाजपा की कुंडली में वो योग है, दूसरा नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो उनके बारे में आरएसएस के बड़े बड़े लोगों ने मुझे बताया, भाजपा के बड़े बड़े लोगों ने बताया कि ये डरपोक बहुत हैं और असत्य बहुत बोलते हैं, तो इसीलिए इनके अंदर ये फियर साइकोसिस आ चुका है कि मैं हार रहा हूं चुनाव। देखिए 2014 का, मैं बार बार कहता हूं 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने नहीं जीता था, वो परिवर्तन की लहर थी जो कांग्रेस के प्रति जो है 10 साल के शासन के प्रति एक जनता का जो आवेग आया उसमें नरेंद्र मोदी जी उस आंधी में उड़के आ गए। फिर 2019 में क्या किया वो आप जानते ही हैं कि वो देशभक्ति की एक लहर में नरेंद्र मोदी जी ने उसमें तो शहीदों के ऊपर वोट भी मांग लिया था, जो कि अगर मैं चुनाव आयोग होता या आने वाली टाइम में, एक और बात बताता हूं, देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए नरेंद्र मोदी के ऊपर एक केस जरूर दर्ज करना चाहिए, जब उन्होंने 2019 में चुनाव में शहीदों के ऊपर संविधान के पद पर बैठ करके आप मांग नहीं सकते हैं वो, क्योंकि सेना किसी पार्टी की नहीं होती है, देश की संपत्ति है वो। तो उसमें जो वोट मांगा गया वो कानून रूप से, कानून चुनावी कानून जो है, जो आपकी क्या नाम है प्रोटोकॉल है, उसमें बिल्कुल एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बहुत ही गलत कार्य था। तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तो केस हो जाना चाहिए था इसमें। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी अभी कर रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे के फ्लॉप होने के बाद, जो और देखिए कैसी गलतियां कर रहे हैं, उस गलतियां क्यों कर रहे हैं उसका कारण भी आज बता देता हूं। 17 फरवरी से बीजेपी की जो कुंडली मैंने दिखाई है, बीजेपी की कुंडली में अभी तक चंद्रमा में शनि की दशा चल रही थी, अब चंद्रमा में बुध की दशा शुरू होने जा रही है 17 फरवरी से। हमारे ज्योतिष में यह माना जाता है कि जब भी कोई ग्रह की दशा, बड़े ग्रह की दशा आती है तो उसका प्रभाव थोड़े दिन पहले पता लगने लगता है। वो उसका सिद्धांत इसी तरह है संजय जी, कि जब सूर्योदय होता है तो कालिमा छटके नीला नीला आसमान आपको 6 बजे से दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो इसी तरह बुध की दशा जो आ रही है तो एक ज्योतिष का सिद्धांत है। ज्योतिष की बहुत अच्छी किताबें मैंने दिखाई, ये भी एक बहुत बड़ी बहुत ही पॉपुलर बुक है मानसागरी। मानसागरी किसने लिखी है ये लिखी है चौखंबा की है, जो ये है आचार्य श्री मधुकांत झा ने लिखी है और ये चौखंबा प्रकाशन की है, जो बहुत मशहूर प्रकाशन है धार्मिक किताबों का बनारस का। तो उसमें ये कहा गया है कि ये मति भ्रष्ट होने का योग होता है। चंद्रमा में शनि की दशा मति भ्रष्ट होने की दशा होती है। इसका अर्थ ये होता है सामान्य भाषा में कि जो आप निर्णय लोगे वो बेसिकली बैकफायर करेंगे और भ्रष्ट, मति भ्रष्ट हो गई है तभी कर रहे हैं आप ऐसे गलत निर्णय लोग, मतलब गलत निर्णय लेता है जिसके कारण मनुष्य को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका लॉजिक ये है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन का कारक माना गया है और बुध जो है बुद्धि का, इंटेलेक्ट का कारक माना गया है।
तो हम अपने सामान्य जीवन में ये देखते हैं कि बुद्धि और मन में 36 का आंकड़ा होता है। मन जो है हमेशा एक हेस्टी डिसीजन लेता जल्दबाजी में, और बुद्धि थोड़ा ठहराव के साथ लेती है, चिंतन करके डिसीजन लेती है। ये फर्क होता है, क्योंकि बुद्धि और विवेक सबके पास नहीं होता, ये भी बता देता हूं। विवेक जो है बेसिकली दिव्य जो है शक्ति माना गया है, जो परमात्मा का परम भक्त होता है, जिसके पास ज्ञान होगा वही अच्छे बुरे का भेद कर सकता है। अच्छे बुरे का भेद करना की शक्ति ही विवेक कहा गया है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि जो है भगवान राम ने, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको वाल्मीकि रामायण का कोट किया था कि उत्तर कांड में भगवान राम ने भरत को ये बताया कि जो है दुष्ट कौन है, राक्षस कौन है। वो फिर मैं रिपीट करता हूं इसलिए कि मोदी जी के जो दो भाषण थे लोकसभा राज्यसभा में, उन्होंने सिवा एक व्यक्ति का जो उस दुनिया में नहीं है जवाहरलाल नेहरू, उसकी आलोचना करी है। और वो निरंतर 10 साल के शासन में आलोचना करते रहे। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि इस नेहरू डायनेस्टी किताब को एक बार जरूर पढ़ें कि ये नेहरू डायनेस्टी किताब जरूर पढ़ें, तब ये जान पाएंगे कि इस परिवार का इस देश के प्रति क्या सेक्रीफाइस रहा है। भाई उस व्यक्ति ने, वो एक राजा समान परिवार में, हालांकि उससे पहले मोतीलाल नेहरू के दिन बहुत अच्छे नहीं थे। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि एक कमरे के मकान में रहते थे। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में जब ये पैदा हुए तो उनको एक बड़ा केस पटियाला का मिला था, जहां से उनको बहुत बड़ी हैंडसम फीस मिली थी। इसके बाद नरेंद्र उनकी जो है मोतीलाल नेहरू की प्रैक्टिस चल पड़ी और वो एक रेनाउंड बैरिस्टर बन गए थे। तो इसमें ये जन्म जो है जवाहरलाल नेहरू के पैदा होने के बाद ही उनकी यहाँ संपत्ति आई है, उससे पहले नहीं थी। प्लस शुद्ध खालिस ब्राह्मण परिवार, जो इनकी आपको बताएं, बेशक वो धर्म कर्म में ज्यादा कर्मकांडी नहीं थे क्योंकि विदेश में पढ़े थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन राजीव गांधी की भी उन्होंने कुंडली बनाई और राजीव गांधी का नाम उन्होंने ही रखा था। राजीव गांधी का पूरा नाम है राजीव जवाहर गांधी। वो क्यों नाम रखा था, उसका लॉजिक भी आपको बता दे। इस किताब में ही कहा गया कि राजीव जो है कमल का पर्यायवाची है, तो कमला नेहरू उनकी पत्नी थी जवाहरलाल नेहरू की, तो राजीव गांधी का जो है कमला के वजह से, कमल से राजीव लिया और जवाहर अपना नाम उन्होंने दिया था, तो ये राजीव गांधी का नाम रहा। इसमें आप बताइए कि उस परिवार ने अपना सैकड़ों करोड़ रुपए का मकान आनंद भवन देश को समर्पित किया, और आज भी आप देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, राहुल गांधी के पास अपना मकान भी नहीं है, उनकी अपने नेम में कोई प्रॉपर्टी नहीं है और कोई अपनी पर्सनल व्हीकल भी नहीं है, सोनिया गांधी के पास में भी नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी का, जो मैं पहले तो वो बता देता हूँ दुष्ट कौन थे, राम जी की बात, क्योंकि राम जी का माहौल उन्होंने आज भी वो राम जी उन्होंने संसद में भी कुछ राम मंदिर के ऊपर ध्यान प्रस्ताव पर बातचीत करी है। तो राम जी कहते हैं ये दुष्ट कौन है, ये सदैव निंदा झूठ का आचरण करने वाले, दूसरों की तरक्की संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करने वाले, काम क्रोध अहंकार लोभ परायण निर्दयी कपटी कुटिल और अनेक पापों से युक्त होते हैं। वे बिना कारण ही किसी से दुश्मनी पाल लेते हैं और भलाई जो उनका करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनके संपूर्ण आचरण में झूठ पाखंड दिखावा छल और कपट होता है। तो ये राम जी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। तो इसका अर्थ ये, जो नरेंद्र मोदी जी ने एक वृद्ध, हमारे संस्कृति में क्या कहा गया है, एक तो मृत्यु जिसकी हो जाए उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, प्लस जो भी आप राजनीतिक रूप से आपके वो कौन हो गए, पुरखे हो गए, पूर्वज हो गए, तो पूर्वजों का नाम लेकर के उनको बदनाम करना, उनको गाली देना, ये अच्छे संस्कार नहीं बताते कि आप किस संस्कार में पैदा हुए हैं। फिर नरेंद्र मोदी जी की तो जात के ऊपर भी, जैसे राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा में कहा, वो वास्तव में सच है, क्योंकि जो मेरे को शंकर सिंह बघेला जी के, मैं नाम ले रहा हूं, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, और भी संघ के बड़े बड़े लोगों ने मुझे बताया था कि नरेंद्र मोदी जी दरअसल वैसे वैश्य कम्युनिटी से आते हैं। तो वो और वो उसमें अभी इनके गुजरात के एक सांसद ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया था कि जो गोदी मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी की जो जाति जो ओबीसी में डाली गई, ये सब विषय लिंक करते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि मेरा कहना, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं जब आपके चरित्र को डिफाइन करता हूं कुंडली के अनुसार, तो मैं ये बताता हूं कि आपके आचरण में ये आ क्यों रहा है। ये आया इसलिए रहा कि मूल रूप से आपके पास ये गुण मौजूद है। तो उसमें उन्होंने वो जो क्या नाम है अपना गजट नोटिफिकेशन दिखाया था 1999 का, तो उसने आपके गुजरात के उस सांसद ने कोई गोविल करके या कौन से है वो है
मैं पूरा नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, हल्की सी दाढ़ी है, उन्होंने बताया कि ये 2001 में बेसिकली गुजरात सरकार में लागू किया गया जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, तो ओबीसी शब्द वो वहां पर जोड़ा गया। तो जहां तक मेरी जानकारी, क्योंकि मैंने ये पता है कि मैंने तो मोदी ग्रुप में भी बहुत साल बिजनेस किया है, मोदी लोग बेसिकली उच्च जाति के और वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, व्यापारी लोग होते हैं ये, तो वहां पर भी आपके असत्य में असत्य नजर आ रहा है। तो पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी को जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू का जो सेक्रीफाइस था, जवाहरलाल नेहरू ने विदेश में पढ़ाई करी, उसके बाद 11-12 बरस आपने भी अपने प्रोग्राम में कहा था जेल में काटे, उन्होंने अपने परिवार का सुख बेचारों ने नहीं देखा, उनकी पत्नी बीमार रहती थी, बीमारी के भी पैसे नहीं थे। एक बार की बात बताता हूँ, उनकी पत्नी के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, इसी किताब में लिखा है, तो उनके पास 10,000 रुपए नहीं थे उस दौरान, तो वो बहुत परेशान थे। इंदिरा गांधी को चिट्ठी में लिखा था उन्होंने जेल से। तो जब मोतीलाल नेहरू को ये बात पता लगी तो मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे को बहुत डांटा कि तुमको शर्म नहीं आती है कि जब तुमको इतनी पैसे की तंगी थी तो मुझे क्यों नहीं कहा। तो जवाहरलाल नेहरू इतने खुद्दारी थे, तो उस परिवार के प्रति आप अगर बेईमानी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो तो कितने शर्मनाक की शर्म की बात है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका आचरण गर्व है। और बात बता देता हूं भारत की कुंडली की, मैं आज फिर एक बहुत चैलेंज, मेरा फितरती चैलेंज लेने की है, क्योंकि मैं, मेरे को भगवान की हनुमान जी की कृपा से डर तो लगता नहीं है। क्यों डर इसलिए नहीं लगता, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो मनगढ़ंत तो बोल रहा हूँ, शास्त्र संगत बोलूंगा, और कोई मेरा किसी से कोई अपेक्षा या कोई सहयोग लेने की है ही नहीं, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरी तरह साधु हो चुका हूँ। मैं अपनी साधारण जिंदगी में मुझे आनंद आता है। ये भारत की कुंडली दिखा रहा हूं संजय जी, 24 साल की ज्योतिष की एनालिसिस हमने की, 24 बरस की, 2000 से। और ये एनालिसिस की ये किताब है आपकी कंटक शनि, शनि के जो तीन गोचर जो खतरनाक माने गए, 7.5 कंटक शनि, कंटक शनि दो होता, कंटक शनि कहते हैं, अष्टम शनि और तीसरा कौन सा है, शनि की 7.5 तीन, हाँ तीन जो गोचर है ना, क्योंकि जो शनि जो है बेसिकली हमारे जीवन में मूल परिवर्तन जो होता है वो शनि की वजह से आता है। जैसे आपको बताऊं, 8वें घर में अगर मंगल और शनि हो किसी के तो दुर्घटना का योग है, तो दुर्घटना में आपका पूरी बाजू धड़ से अलग हो जाएगी, तभी होगी जब शनि मौजूद होगा। तो परमानेंट लेवल की डिसेबिलिटी बिना शनि के नहीं आएगी, अगर वहां शनि नहीं है, मंगल है तो हड्डी फ्रैक्चर होगा, हाथ लटका रहेगा, लेकिन जुदा नहीं होगा, आपकी बॉडी से कोई पार्ट पूरी तरह से रिमूव हो जाना बिना शनि के नहीं हो सकता। तो ये शनि को माना गया परिवर्तन का कारक। तो हमने एक रिसर्च ये की कि 2000 के बाद जितने जनरल इलेक्शन हुए हैं उनको हम एनालाइज कर लेते हैं, आपके आपके विषय, आपका पसंदीदा विषय आ गया राजनीति, तो आप ये देखिए और दर्शक सुन के प्रसन्न होंगे कि क्या जबरदस्त रिसर्च है ये। तो लोकसभा चुनाव कितने हुए जनाब आपके, 2004 में हुआ वाजपेयी जी का इंडिया शाइनिंग, उसके बाद 2014 में हुआ, फिर उसके बाद 10 साल बाद 2014 से एक ही सत्ता चली आ रही है, एक ही सत्ता चली आ रही है, अब 2024 आ गया। तो आपको बता दें ज्योतिष का इसी पुस्तक के अनुसार एक फंडामेंटल सिद्धांत है, चंद्रमा जो है पब्लिक की ओपिनियन माना गया है वैदिक ज्योतिष में, पब्लिक की ओपिनियन के जनता अब क्या सोचती है वो, इसीलिए उसको परसेप्शन और इमोशंस का कारक भी माना गया, फीलिंग्स भी वही है, भावना भी वही है, इमोशंस भी वही है। तो चंद्रमा से भारत की कुंडली जो मैंने दिखाई है, भारत की कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि का है, 4 नंबर राशि का है। तो जब वाजपेयी जी, तो इसका सिद्धांत पहले बता देता हूं दर्शकों को, वैदिक ज्योतिष ये कहता है जब चंद्रमा से 12वें घर में शनि हो, जब चंद्रमा से 4थे घर में शनि हो, दर्शक सुन लें, लिख लें, नोट्स बना लें, और जब चंद्रमा से 8वें घर में शनि हो, तो जनता की राय बदलती है, जनता अपना ओपिनियन चेंज करती है शासन के प्रति, शासन के प्रति ओपिनियन चेंज करती है। तो 2004 में इतनी बढ़िया सरकार चल रही थी, कांग्रेस का आता पता नहीं था 2004 में, आप याद रखिएगा। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी मनुष्य के हाथ में यह नहीं होता, ये काल डिसाइड करता है इस चीज को। आज अगर इंडिया अलायंस में 2 आदमी भाग गए तो वो मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे, ये असंभव है, मोदी जी भगवान नहीं है भाई, मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, मोदी जी अपनी एक सांस जो ऊपर गई दोबारा वापस आएगी, इसकी गारंटी तो दे नहीं सकते, कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। एक एक तो एक, 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 एक लाइन है बड़ी अच्छी, मुझे बड़ी फेवरेट लाइन है, एक नस टस से मस और बस, एक नस
टस से मस और बस। तो ये आपको बताएं, गुरु नानक देव से उनके शिष्य ने पूछा था कि मेरे गुरुवर जो है जीवन मृत्यु में अंतर कितना है, तो गुरु नानक ने ये वहां बताया था कि जो सांस आपकी जाती है वो वापस लौट कर ना है, तो वही इतना ही अंतर है केवल। तो इस सांस की गारंटी कोई नहीं दे सकता, नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भी हो व्यक्ति। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दर्शकों को, एक बहुत अच्छी रिसर्च लेकर के आया हूं कि चंद्रमा से 12वां घर बना मिथुन राशि। 2004 में मिथुन राशि में था शनि और वाजपेयी जी की सत्ता चली गई। इसके बाद मैंने दूसरा सिद्धांत बताया कि चंद्रमा से चौथे घर में होगा, तो चंद्रमा यहां कर्क का है, 1, 2, 3, 4 तुला राशि। तुला राशि में जब आपका चंद्रमा था, ओ शनि था, तब आपकी कांग्रेस की सरकार 2014 की चली गई। तो दो सिद्धांत पूरे हो गए कि चंद्रमा से 12वें में अगर शनि आता है तो सत्ता परिवर्तन होगा देश की कुंडली में, क्योंकि देश की जो कर्क राशि है ना, तो हम भारत की बात करेंगे। जब चंद्रमा से चौथे घर में मतलब तुला में आएगा शनि, तब सत्ता परिवर्तन होगा और चंद्रमा से अष्टम भाव बनता है कुंभ राशि का। तो शनि आजकल गोचर में यहां पर है कुंभ राशि में, तो इसका अर्थ यह है कि यह निश्चित है काल की गणना कि 2024 के चुनाव में यह सत्ता रिपीट नहीं होने जा रही है। आपके दर्शक नोट कर ले, मैंने फिर अपनी बात कहकर के एक चैलेंज ले लिया कि इस ज्योतिष के फंडामेंटल सिद्धांत का जो चंद्र और शनि से बनता है, और आपको बताया 7.5 भी जो होती है वो चंद्रमा और शनि के कारण ही बनती है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है और शनि जो है वैराग्य का और परिवर्तन का कारक है। तो मनुष्य के जीवन में हमेशा जो भी वैचारिक परिवर्तन हो या आर्थिक हो या सामाजिक हो, कोई भी या स्वास्थ्य के बारे में भी जो परिवर्तन है, जो कष्ट हो या सुख हो या दुख हो, दोनों प्रकार के आपके 7.5 में आते हैं। इसीलिए 7.5 सबको डर लगती है। वो क्यों लगती है कि आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा होता है, चंद्रमा से 12वें घर में आपका जब शनि आता है तो शनि 2.5 साल रहता है, तो 2.5, 2.5, 2.5 जब 12वें में लगन में और दूसरे घर में शनि आएगा तो 7.5 हो जाएंगे, 2.5, 5, 5 और 2 और 2.5 कितने हुए 7.5। तो इसीलिए जो शब्द आया 7.5, 7.5, 7.5 का मतलब है 7.5 साल का शनि का गोचर। ये मनुष्य के जीवन में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का परिवर्तन लाता है। तो अब देश की कुंडली में यह है, चूंकि चौथे घर में भी हमने परिवर्तन देखा, कांग्रेस गई, जब 12वें घर में शनि था वाजपेयी जी गए, और अब जो है शनि 8वें घर में ये अभी है, इससे पहले 92वें में आया था, तो 92वें में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो अब यह इनके मोदी जी के भी विदाई का संकेत है, जो मोदी जी के चेहरे से साफ साफ झलकता है। इसीलिए उनके अंदर उत्तेजना और बेचैनी ज्यादा आ गई है। उनके चेहरे पे भाव देखिए, अगर व्यक्ति इतना धार्मिक है, जैसे वो आपके जो ढोंगी बाबा संत महात्मा इनको योगी बताते हैं, इनको बड़ा आध्यात्मिक उपाधि देते हैं, उनसे पूछिए कि ये व्यक्ति तो शांत भाव से त्यागी और वैरागी हो जाना चाहिए था, इसको तो झोला लेके चले जाना चाहिए। उन्होंने तो 2014 में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद ये कहा भी था मैं झोला लेके चला जाऊंगा, लेकिन तो वो तो जो है बहुत ज्यादा स्वार्थी और वो बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गए हैं कि अब उनको तीसरा टर्न भी चाहिए, तीसरे टर्न के बाद 5वां टर्न भी चाहिए। वो तो 5 साल की से उन्होंने, मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ये कहा था कि मुझे देश के लिए सेवा करने के लिए 5 साल दे दीजिए, आप तो 10 पूरे करने के बाद और 5 और मांग रहे हो, और तो आपने तो हदी कर दिया, आप टिकी गए हो। तो ये नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा नहीं होने वाला है, यही इनके अंदर घबराहट है, क्योंकि इनके सारे पैंतरे जो है एक्सपोज हो रहे हैं। अब इसकी बात मैं बता देता हूं कि जिन लोगों को आपने अभी सामाजिक लेवल पर भी, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं, कल जो है 11 तारीख को शुक्र भी जो है मकर राशि में आ रहा है, और चार ग्रह इकट्ठे, सूर्य भी वही है, मंगल भी वही है, और शुक्र भी है, बुध भी वही है। तो शुक्र जो है सामाजिक परिवर्तन का कारक है, और शुक्र भारत की कुंडली में 6वें घर का लॉर्ड है, 6वां घर होता है आंदोलन का। मैंने अपनी एक ट्वीट भी किया था कि जो मंगल अभी आया मकर राशि में, कि जनता सड़कों पर उतरेगी, वो आप देख ही रहे हैं। आप उत्तरांचल में भी कांड हो गया, और उसके बाद आपने देख रहे हैं वो क्या नाम है, महाराष्ट्र में भी वो थाने में ही गोली वाली चल गई, फिर एक और वो सोशल मीडिया पर उसने गोली मार दी उसको फेसबुक लाइव में, फिर लगातार आप ये देख रहे हैं। और वो जो है किसान जो है 13 तारीख को सड़कों पे आ रहे हैं, ये आपके आपके पास जानकारी होगी, किसान जो है हरियाणा से आ रहे हैं तो बॉर्डर सील करना शुरू किया। अभी 1-2 दिन पहले भी किसान नोएडा से चले थे, तो ये सड़कों पे लोग आना क्यों शुरू हुआ, फिर ईवीएम के लिए भी लोग सड़कों पे आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को ये सारे फैक्टर इतने डराने लगे हैं, क्योंकि उनको किसी चीज का अनजाना भय आ चुका है,
उस अनजाने भय में वो भूल गए हैं कि उनकी पार्टी में कितना विरोध होगा, इसको तोड़ लो, उसको तोड़ लो, इसको सीटें। देखिए प्रैक्टिकली आप देखिए, आप राजनीतिक विश्लेषक बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, कि आपने अपनी सीटें कम करी हैं। आप नीतीश कुमार को लाए तो आपने 16-17 सीटें वहां पर आप देंगे, 15 देंगे, तो आपने बीजेपी ने अपनी 17-15 सीटें कम की। इंडिया अलायंस का तो फायदा हो गया भाई, वहां पर जो भी तेजस्वी, जो भी बचा हुआ अलायंस है तेजस्वी और कांग्रेस के लिए, तो ज्यादा सीटों पर लड़ने का अपॉर्चुनिटी आ गई। इसी तरह से अखिलेश ने 7 सीटें जयंत को दी, लेकिन जयंत तो बेचारे 3 पर ही, उनकी बुद्धि इतनी थी कि वो 3 पे टिक गए, तो 4 सीटों का तो फायदा इंडिया अलायंस को हो गया इसमें। तो ये जो दांव खेल रहे हैं, और जो 3 आपने जो भारत रत्न दिए अमावस्या के दिन, तो उसमें भी ये देखिए, आपको जो मैंने बताया शुक्र जो अभी चेंज हो रहा है कल, तो ये सामाजिक लड़ाई छेड़ देगा। और किस तरह की लड़ाई आपके सामने देश में आने वाली है, सुन लीजिए ध्यान से, कि दलित भी कहेंगे कि हमारे किसी मसीहा को भारत रत्न क्यों नहीं मिला, ये आवाज तेज उठ जाएगी, उठने लगेगी। आदिवासी कहेंगे कि हमारे किसी महान व्यक्ति को, बिरसा मुंडा जैसे लोगों को, किसी को जो भी हुए हैं उनको भारत रत्न क्यों नहीं मिला। उद्धव ठाकरे के परिवार से भी उनके, या शिवसेना के बाला साहब के लिए बने। तो ये आपके जो दांव चला था किसी राजनीतिक छोटी सी सोच के कारण, वो सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ देगा, और जो बीजेपी के लिए नुकसान होगा। क्योंकि जो आज आपको पता है, जो हमारे अंधभक्त हैं, जिनको ब्लाइंड फॉलोइंग कहते हैं, और गोदी मीडिया समेत, वो बेसिकली एक विशेष वर्ग के लोग हैं, उत्तर भारतीय हिंदी बेल्ट के ज्यादा हैं, जिसमें तो पंडित जी भी हैं, वैश्य कम्युनिटी के लोग भी हैं, थोड़े से इस तरह के लोग हैं। तो ये जो लोग, वो लोग हैं जो 40 और 45% वोट डालने जाते हैं, जिनकी वोटिंग परसेंटेज कितनी होती है, 35% से शुरू होकर 45% तक। जो वोट डालने जाएगा दलित आदिवासी, वो 70-80 से ऊपर भी जाता है, तो उन वर्ग में एक सामाजिक असंतोष का ग्रह योग बन रहा है। तो मेरी भविष्यवाणी एक और नोट कर लें, कि नरेंद्र मोदी जी के लिए सत्ता रिपीट होती हुई कंटक शनि के कारण नहीं आ रही है। दूसरी बात कि असंतोष जो है जनता में इतना बढ़ जाएगा कि इसको हैंडल करना, किस किस को पेसिफाई करोगे, कहां कहां जाओगे, तो नरेंद्र मोदी की विचलन, उनकी भाषा, उनका व्यवहार और ज्यादा बस से बदतर होने वाला है आने वाले समय में। तो मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, भारत जोड़ो या नया यात्रा की बात, आज एक बहुत सुंदर कोट लेकर के आया हूं, मुझे आनंद आता, क्योंकि मुझे जो ज्ञान आनंदित करता, मैं चाहता हूं जनता जनार्दन के साथ भी शेयर करूं। ये पुस्तक है विभीषण गीता, ये तो मैंने पहली बार नाम सुना, विभीषण गीता। हाँ अच्छा, ठीक है। ये रामचरितमानस के 6वें अध्याय में ये विभीषण का संवाद हुआ, इसलिए बोल रहा हूं कि आज हमारे पास में भी, आपके पास में भी कमेंट आते हैं, और मेरे पास भी व्हाट्सएप के जो लोग, मेरा छोटा मोटा ग्रुप है, उसमें लोग कहते हैं अरे साहब ये तो जैन चले गए, नीतीश चले गए, तो आपके अंदर हताशा क्यों आ रही है, आप इतने डिमोरलाइज क्यों हो जाते हो, आपकी विवेक शक्ति काम करना क्यों बंद कर देती है, आप सत्य को देख क्यों नहीं पाते हो। तो उसका उसका आपको बताता हूं, इसको कहते हैं संशय। ये जो डाउट आता है वो संशय नाम की एक मानसिक बीमारी है। वो मानसिक बीमारी जो है बेसिकली योग शास्त्र में, आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मुझे बताना जरूरी है, जो योग शास्त्र के अनुसार ऐसी आ रही है आपकी विभीषण वाली बात पे आप जो लेकर आए हैं। हाँ, तो उसी पे आ रहा हूं। योग शास्त्र के अनुसार जो आपके मनोरोग बताए गए हैं, उसमें क्या है, चित्त विक्षेप, आपका चित्त जो है बिगड़ जाना, मन नहीं लगना, व्याधि, रोग, डलने, सुस्ती हो आना, डाउट, लेजीनेस, मेटलिस्टिक थिंकिंग, इल्यूजन, भ्रम की स्थिति पैदा होना, इनेबिलिटी टू भक्ति, भक्ति में मन ना लगना, इनेबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड बियर दुख, और दुख को सहन ना करना, कर पाना, और झुरझुरी आ जाना, और आपके सांस बिगड़ जाना, ये सब मनोरोग बताए गए हैं। तो ऐसे केस में मैं आपको बताता हूँ विभीषण गीता का जो अर्थ था, ये विभीषण के, मैंने आपको जो मनोरोग इसलिए बताए कि विभीषण के अंदर भी संशय आ गया था। ये बात आज बहुत अच्छा प्रसंग मैं लेकर के आया हूँ, जो हमारे जीवन में आज भी है, और आज से 10 लाख साल बाद भी अप्लाई होगा जब तक कलयुग रहेगा। तो विभीषण ने राम जी को देखा कि राम जी तो पैदल लड़ रहे हैं, और उनके पास तो केवल धनुष है, बाण है, जबकि रावण जो है, रावण के पास जो विभीषण जी कहते हैं, मैं वो पढ़ के सुना देता हूं, जल्दी से बात भी पूरी होगी। राम रावण युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। रावण विशेष रूप से बने हुए नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों से सजे हुए रथ पर सवार था।
उसके विपरीत राम पैदल थे, उनके पास कोई रथ नहीं था, केवल धनुष था। विभीषण गीता का प्रसंग सुन लीजिएगा, केवल धनुष था। उस समय विभीषण के मन में श्री राम की विजय के प्रति शंका उत्पन्न हो गई, जैसे कि आज जनता के अंदर ये शंका उत्पन्न हो गई है, पता नहीं इंडिया एयरलाइन जीतेगा कि नहीं जीतेगा, है आपको हासिल होगी, तो ये प्रसंग आपको आपका मनोबल बढ़ाएगा। तो जब उसमें राम के प्रति शंका उत्पन्न हो गई, उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप इस रावण पर जो स्वयं इतना शक्तिशाली है, उसके पास नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, आप उस पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? जैसे आप देख रहे हो कि आपके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र क्या है, मोदी जी के पास ईडी, सीबीआई, आईटी, गोदी मीडिया, मोदी जी सारे शस्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक राहुल गांधी बेचारा सड़क पर जा रहा है और अकेला चल रहा है, और क्या जबरदस्त संवाद है उसकी, वीडियो आप देखिए क्या पब्लिक का है, और ये जो रिपोर्ट मोदी जी के पास उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लेके आती है, वो भी मोदी जी को बहुत विचलन पैदा कर रही है। तो इस तरह से आपको मैं बताता हूं कि जैसे राम जी का वहां पैदल थे, इसी तरह वो पैदल चल रहा है, पैदल चल रहा है, गाड़ी सड़क पर जाने का मतलब है पैदल चलने से, गाड़ी से मतलब नहीं है। तो आप उस पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, विभीषण शंका करता है। इस शंका के उत्तर में भगवान राम ने विभीषण को जो उपदेश दिया, उसे विभीषण गीता कहते हैं। मतलब भगवान युद्ध के क्षेत्र में विभीषण और राम जी के बीच में जो संवाद हुआ है, छोटा सा संवाद है लेकिन बहुत मायने रखता है, उसमें पूरा जीवन का सार है, हमारे आपके जीवन का भी। तो वो राम जी को जो उत्तर दिया वो विभीषण गीता कहा जाता है। रावण के पास निर्भयता, शक्ति और अस्त्र शस्त्र तीनों थे। एक और जानकारी के बाद बता देता हूं, पांच प्रकार के वीर होते हैं। वीर कहा गया, वीर का शब्द है, अर्थ है वीर का साहसी, और बलवान का अर्थ होता है शक्तिशाली। वीर और बलवान में फर्क है, शक्ति बलवान होता है शक्तिशाली, भुजाओं से शक्ति, लेकिन साहस एक सूखे आदमी में, पतले दुबले आदमी में भी हो सकता है, वो वीर कहलाता है। तो पांच प्रकार के वीर कहेंगे, रणवीर जो युद्ध भूमि में वीर है, दानवीर जो दान करने में वीर है, दयावीर जो दया करने में वीर है, विद्यावीर जो ज्ञान में वीर है, त्यागवीर या धर्मवीर जो सत्य पालन में, सत्य निष्ठा में शूरवीर हो, ये पांच प्रकार के वीर कहे हैं। तो रावण केवल रणवीर था, मतलब युद्ध क्षेत्र में ही वो पारंगत था, लेकिन भगवान राम क्या थे, पांचों प्रकार के वीर गुण थे उनके अंदर, दयावान भी थे, ज्ञानी भी थे, वगैरह वगैरह। तो भगवान राम कहते हैं विभीषण से, जिस रथ से विभीषण वास्तविक विजय प्राप्त की जाती है, वह तो कोई और ही है। भगवान राम के शब्दों को ध्यान दें मेरे दर्शक, कि जिस रथ से वास्तविक विजय प्राप्त की जाती है, वह तो कोई और ही है। तुमको देह बल और अस्त्र शस्त्रों के बलों पर विजय मिल सकती है, किंतु वह अस्थाई सिद्ध होगी। अपनी क्रूर शक्ति, जो मोदी जी ईडी सीबीआई के छापे डाल डाल करके जेलों में डाल रहे हैं, मोदी जी भी और भाजपा के समस्त अंधभक्त और गोदी मीडिया इन शब्दों को सुन ले, भगवान क्या कहते हैं, अपनी क्रूर शक्ति, सैनिक शक्ति, रक्तपात से संभव है किसी को विजय मिल जाए, और राजनीतिक रूप से वह लोगों पर कुछ दिनों के लिए शासन कर ले, किंतु वह कभी भी उस तरीके से लोगों के हृदय पर शासन नहीं कर सकता। ये राम जी ने कहा है, स्थाई विजय तो कुछ और ही है, उसे किसी और रथ से पाया जाता है, उसे ना तो बिहार रथ से प्राप्त किया जा सकता है और ना तो युद्ध रथ से, उसे प्राप्त करने का साधन तो केवल धर्म रथ है। तो भगवान राम ने यह कहा विभीषण कि मेरे पास धर्म रथ है, उसके पास मॉडर्न फैसिलिटी से युक्त रथ हो, लेकिन मेरे पास धर्म रथ है, इसीलिए। और जिसके पास धर्म रथ क्या है, दर्शक जल्दी से सुन ले, आपका प्रोग्राम का टाइम भी हो रहा है। भगवान कहते हैं शौर, उस धर्म रथ के पहिए क्या है, दो चक्र क्या है, शौर, भगवान कहते हैं शौर और धैर्य ही उस रथ के दोनों चक्र हैं, सत्य और शील ही इस रथ की ध्वजा और पताका है, बल, विवेक, संयम और परोपकार ही इसके घोड़े हैं, कृपा, क्षमा और क्षमता ही इस रथ की लगाम है। धर्म का मूल तत्व प्राण है कि हमारा हृदय सदाचार सद्गुणों से पूर्ण हो, प्राय हम पंथी होते हैं धार्मिक नहीं। तो शील का अर्थ वहां पर चरित्र से माना गया है। तो भगवान राम ने जो धर्म अर्थ, धर्म रथ, तो राहुल गांधी के पास क्या धर्म रथ है, आप उसके अंदर टॉलरेंस देखिए, वो मैं बता दू शौर और धैर्य, उसके अंदर कितना जबरदस्त धैर्य है, उसके साथ उसके क्लोज फ्रेंड छोड़ के चले गए लेकिन वो बंदा विचलित नहीं हुआ, उसको कितने लोगों ने पीठ में छुरा भोंका, उसके परिवार का सहारा लेकर के लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए बनाए, लेकिन उसके संघर्ष के समय उससे अलग चले गए हैं लोग, वो संत है, ये तो मैं पहले ही हर प्रोग्राम में कहता हूँ। सौर और धैर्य उसके रथ के दोनों चक्र हैं, सत्य और शील, सत्य और चरित्र, अच्छा चरित्र रथ की ध्वजा और पताका है, बल, विवेक, संयम और परोपकारी इसके घोड़े हैं,
कृपा क्षमा और समता ही इस रथ की लगाम है। समता कहते हैं दरअसल जो है दुख और सुख में समान भाव रहना। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि विपक्ष के पास जो भी बचा हुआ आदमी है और ये वापस अभी द्वारा सब वापस आने वाले हैं, ये केवल मोदी जी को एक मोदी जी बहुत सारी रणनीति चलते हैं, उनकी भी रणनीति है जो जाने दीजिए, लेकिन जब एक जैसे पाकिस्तान में जो चुनाव हुआ है, एक और दर्शकों के लिए रिमाइंड करा देता हूं, पाकिस्तान में जो चुनाव हुआ संजय जी, उसमें गोदी मीडिया और वहां का मीडिया, दुनिया भर का मीडिया क्या कह रहा था कि नवाज शरीफ सत्ता में आएंगे, ठीक, और वहां की मिलिट्री भी कह रही थी नवाज शरीफ सत्ता में आएंगे, और मिलिट्री ने नवाज शरीफ को वहां से विदेश में बैठे थे विदेश से बुला करके चुनाव करवाया, और इमरान खान को आपने जेल में ठूंस दिया और कितने केसों में ला दिया कि इमरान खान 50 साल तक वहां से बाहर नहीं, उनकी मृत्यु भी जेल में ही होगी, लेकिन जब रिजल्ट क्या आए हैं 99 सीट इमरान खान समर्थित पार्टी को मिली है, और उस जिसके साथ सारी सामर्थ्य मौजूद थी मतलब पूरी मिलिट्री और वो नवाज शरीफ, उसको 73 सीटें मिली हैं, और बेनजीर भुट्टो के बेटे की पार्टी को 43 सीटें मिली हैं। तो आप देखिए कि जनता का मत आज भी इमरान खान के साथ रहा, और जो पाकिस्तान में जो परिणाम आए हैं ठीक इसी प्रकार का परिणाम भारत के चुनाव में भी आने जा रहा है। जब इस तरह के लोग जयंत जैसे लोग चले जाएंगे या नीतीश चले गए तो पब्लिक ये सोचेगी कि भाई हमें इसको तो लाना नहीं है, लेकिन इसको हम मत, इसको क्या नाम है बहुमत तो देंगे नहीं, बाकी लोगों को भी छोटी मोटी पनिशमेंट मिलेगी, तो एक इनडिसाइसिव पाकिस्तान जैसा परिणाम हम अपने लोकसभा के चुनावों में भी देखने जा रहे हैं। इसके ये मुझे एक चीज की बड़ी चिंता है मुझे, और मैं कल्पना कर रहा हूँ कि कभी ऐसा हो गया तो क्या होगा। मैं सोचता हूँ कभी अगर आप जो मोदी जी की इतनी तारीफें करते हैं हर शो में, किसी दिन अगर बंद कमरे में मोदी जी आपको मिल गए तो मोदी जी आपका क्या करेंगे, मैं आपके राहु केतु शनि सब एक ही जन्मपत्री में ले आएंगे, डर नहीं लगता कभी आपको मोदी जी मिल गए तो क्या करेंगे मोदी आपका? नहीं, नहीं, देखो डर इसलिए नहीं लगता, देखो ऐसा है कि मैं तो सत्य का पालन कर रहा हूँ, बल्कि आपको बता दो मेरी, मैंने तो आपके प्रोग्राम में कहा था मोदी जी से मेरा आमना सामना दो तीन मिनट के लिए हुआ था, क्योंकि एज ए आचार में गया था, और मोदी मेरा ऐसा अंदर का विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी से मैं जितने साहस के साथ बात कर सकता, नरेंद्र मोदी मेरे से साहस से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे की घबराहट पढ़ता हूं मैं। मेरे पास ऑरा रीडिंग की भी भगवान ने भक्ति के कारण ये शक्ति आ चुकी है, हनुमान जी की ऑरा रीड करता हूं, नरेंद्र मोदी बहुत ही बेसिकली फोबियाग्रस्त व्यक्ति हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो भी होगा वो मेरी कुंडली के अनुसार, मेरे को अगर दंड मिलना हो तो मेरी कुंडली में अगर ग्रह योग खराब हो तो मुझे मिलेगा, उससे मैं क्या करना। जब आपके बताएं, जब आपकी आत्मा सशक्त हो जाती है, जब आप भक्ति के कारण आपकी आत्मा सशक्त हो जाती है, मतलब आपका जब क्लोजनेस आ जाती है, आत्मा सशक्त जानते कब होती है, वैराग्य से, जब चीजों को आप सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागना बंद कर दो तो वैराग्य जब बढ़ेगा तो आपके अंदर वो ऑरा बढ़ जाएगा, तो आप दूसरों के चेहरे को पढ़ सकते हो उसके। अच्छा, मेरा चेहरा पढ़ के बताइए अभी, चलिए वो विषय अलग, हम भटक जाएंगे, आपके समय का भी समय हो रहा है, आपका मतलब प्रोग्राम का टाइम हो रहा है। एक और बात जल्दी से दर्शकों को दिखा देता हूं, एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैं देता हूं, भाजपा का वर्षफल मैंने ले लिया है, 6 अप्रैल 2024 को भाजपा का नया साल शुरू होगा, उसमें भाजपा की जो ममता है छठवें घर में जा रही है, शनि मंगल से पीड़ित है, ये भी वर्षफल में किसी कीमत पर भाजपा को बहुत बड़ी सफलता और सत्ता का संकेत नहीं दे रही है, क्योंकि वर्षफल का सिद्धांत है मुंथा जो है अगर पीड़ित हो जाए और पाप ग्रहों घरों में जाए 6-8-12 में, तो ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा दुखद समाचार मिल सकता है भाजपा के लिए। मैं बता रहा हूँ भाजपा के लिए अप्रैल नवंबर कोई बहुत बड़ा दुखद समाचार आ रहा है, जिसमें उनकी हार भी हो सकती है और किसी व्यक्ति की बीमारी हारी के दुर्घटना के कारण अशुभ समाचार भी आ सकता है। चलिए मैं आगे बच्चों के लिए और बहुत सारे पेरेंट्स की मेरे पास मैसेज भी आते हैं, तो मैं बार बार बता दूं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, याद रखिएगा भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अभ्यास के द्वारा मन के भय को एड्रेस किया जा सकता है, तो याद रखिए अगर आपको परीक्षा में अगर किसी तरह का फियर आ रहा है, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस कमजोर है, आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन करिए और अपने जो पुराने पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, तो भय एड्रेस हो जाएगा। नंबर टू, क्योंकि मैंने कहा नथिंग इज टू बी, मैंने पिछले प्रोग्राम में एक कोट बताया था, बहुत फेमस कोट है, नथिंग इज टू बी फियर्ड, इट हैज टू बी अंडरस्टूड,
कि जो डर आ रहा है उसका कारण क्या है। तो डर इसलिए आ रहा है आपके अंदर क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी है, या आपने साल भर परीक्षा की प्रिपरेशन नहीं करी, क्लास में नहीं गए, तो थोड़ा डर आना स्वाभाविक है। लेकिन अभी भी आपके पास समय है, आप प्रैक्टिस करें, पूरब की दिशा की तरफ मुख करके बैठे और सादा भोजन लें। और सबसे बड़े डिस्ट्रेक्शन में मोबाइल दिखाता हूं, इनसे बचें। ये सबसे बड़े आज की डेट में राहु केतु हैं, क्योंकि इसमें आप देखिए बच्चों को मैं बता रहा हूं कि आप किसी अच्छे मूड में एक सब्जेक्ट पेपर चैप्टर तैयार करके बैठे हैं, अगर आपने व्हाट्सएप का चैट देख लिया, उस व्हाट्सएप के चैट में कोई आपकी पसंदीदा बात नहीं मिली तो आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो होल डे चला जाएगा। तो इससे बड़ा डिस्ट्रैक्ट करने वाला कुछ नहीं है। और आप सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम फेसबुक, इनसे कोई किसी को प्रसिद्धि नहीं मिलती है, थोड़ी हेल्प जरूर करते हैं। जो आपको प्रसिद्धि मिलेगी वो आपके ग्रहों योग के कारण आपकी कुंडली में पहले से ही निश्चित है, तो इसलिए उसकी तरफ ना भागें, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें, सादा भोजन लें। क्योंकि जो भोजन अगर आप मैदे वाला जंक फूड खाएंगे तो आंतों में चिपकेगा, तो कॉन्स्टिपेशन होने के कारण, उससे फिर आपका पेट साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होने के कारण सिर दर्द रहने लगता है। आपको पता है अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो सिर दर्द, माइग्रेन वगैरह, ये सब इसका रीजन ये भी है। दूसरा बात यह है कि अपना, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बच्चों को कहा था कि 15 बार गहरी सांस लेने का खाली पेट रोज नियम बना लें, गहरी सांस लेनी है छोड़नी है, लेनी है छोड़नी है, क्योंकि इससे आपके ब्रेन की पावर मजबूत होती है, ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, तो ब्रेन में ही मेमोरी है, तो आपको याददाश्त अच्छी होगी। और बाकी हनुमान जी, और हनुमान जी की जो चौपाई है, बुद्धहीन तनु जान के सुमरो कवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ क्लेश। हे पवन कुमार, मैं अपने अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण ध्यान कर रहा हूं, आप मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान करें। ये बच्चों का यही सब्जेक्ट है। दूसरे भगवान, दूसरी चौपाई में क्या आता है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर भेटु आतुर। तो अगर विद्या का आशीर्वाद चाहिए तो हनुमान जी की भक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनसे ज्यादा बड़ा नॉलेज किसी के पास ना हुई है ना होगी। और इसी के साथ प्रोग्राम समाज का जय श्री राम। जय, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजीव जी, और ये आपको बता रहे थे कि आखिर होने वाला क्या है राजनीति में। ग्रह नक्षत्र हैं, कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।